हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए ब्लॉग में। एंड गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना कुछ अलग सा रहेगा। एंड गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही खास रहने वाला है। एंड गाइस, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए। एंड गाइस, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। वीडियो को अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा वीडियो में क्या क्या है। इसके लिए आप लोग हो सके तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या है वीडियो में। एंड हम लोग आज काम पे जाने वाले हैं, काम पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ का प्रोसेस क्या है। एंड रोड ट्रिप भी रहेगा और सामने से देख सकते हो यहाँ पे हमारे बसंती भी खड़े हैं। सो है गाइस, आज का राइड अपना शुरू हो गया। एंड गाइस, फाइनली आज बहुत दिन के बाद हम भी काम पे जा रहे हैं और आज कुछ गाड़ी का काम मिल गया गाइस, इसके लिए हम समझ रहे हो जा रहे हैं। तो चेकआउट गाइस, चेकआउट रोड का किस तरह का नज़ारा है। एंड अभी हमें बहुत दूर जाना है बिकॉज गाइस उधर जाने के बाद ना हमें कुछ गाड़ी का काम करना है, जो रोज़ हमें 300 पर डे मिल जाता है, इसलिए हम पड़ा हुआ है इधर। बाइक भी ज्यादा तेज चला नहीं सकता है और अपना बसंती जो है ना क्या गाइस ये चेक कर सकते हो, अपना बसंती का जो मीटर है ना थोड़ा मीटर खराब हो गया है बिकॉज इसको बनाने के लिए अभी पैसा चाहिए यार। इसके लिए ढाड़ी का काम कर रहा हूँ, शायद कुछ 2-4 रुपया 5 रुपया मिल जाए तो बहुत अच्छा है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ। तो आज का गाइस ब्लॉग है ना कुछ अलग ही है। हम लोग आज वुड का काम कर रहे हैं, वुड 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 सही खेल गया बेंच। लकड़ी का जो फर्नीचर रहता है उसी का गाड़ी पे जा रहे हैं। चेक आउट गाइस, चेक आउट, रास्ता पूरा फ्री है एंड सुबह का टाइम है इसलिए रास्ता पूरा फ्री है अभी, बट 9-10-11 बजे तक पूरा फुल भीड़ रहेगा इधर, पूरा भर जाएगा रास्ता पूरा। अरे ये तो धोती खोल रहा है। बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारा ठेले देख के बहुत ही खुश हो रहा है ना। विदेश का कुछ अलग ही सीन है गाइस। और यहाँ पे पापा की परिया आंटी जी तो बहुत ही दबा रहे गाइस, क्या बताए। आंटी जी ऐसा स्कूटी चला रहे ना, ऐसा ऐसा कुछ अलग तरीका से काटी मार रहे बिकॉज गाइस जोर से भगा भी नहीं सकते है ना। रोड भी कुछ इस तरह का टर्न पॉइंट है एंड छोटा सा रोड है और इतना खास भी नहीं है, मीडियम है, इतना खराब रोड भी नहीं है, अच्छा ही है बोले तो बहुत ही बढ़िया रोड है, गांव के लिए बहुत ही खास है। रोड है भाई, मेरा हेलमेट क्या बाइक चला रहा है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। और अपना बसंती जो है गाइस अच्छे से मैंने ठीक किया इसको, इतना कास्ट भी नहीं हुआ अभी तक, मैंने भी बहुत काम बाकी है, मैकेनिकल काम इसमें बहुत सारा काम बाकी है अभी भी। अपना बसंती जो है ना दौड़ते रहता है। ओ भाई बच गया आज तो यार, थोड़ा से उस रोड में टर्निंग भी यार ऐसा ब्रेक थोड़ी ना मारता है कोई यार, मर डालेगा ये आदमी तो। कंट्रोल भाई 30-40 स्पीड से भी ऐसा अगर ब्रेक मारेगा तो यार एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा। आज तो बच गया यार, बाल बाल बच गया, नसीबी बोलो। ये देख सकते हो ना गाइस, ये जो गाड़ी जा रहा है आगे ऐसे कोई ब्रेक मारता है क्या, आप लोग की कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस। पापा की परिया गाइस बस के अंदर भी खड़े हैं, ज्यादा भीड़ है बस में, इतना ठूस ठूस के डाला हुआ है इसके लिए, बार बार दिख रहा है इधर। इसलिए थोड़ा बहुत साइड दिया यार, अब निकल जाते हैं साइड से, देखते कैसे करते हैं। निकल जाने का रोड छोटा है इसके लिए साइड से निकलना पड़ेगा। ओ भाई रोड का तो अलग ही सीन है यार, इतना बड़ा बड़ा ब्रेकर लगा के रखा है ना गाइस। वाह क्या सीन है। आगे जो कार जा रहा है ना इसका
इतना सोच रहा था फिर भी नहीं आया उसे आगे जाने का। अपने को क्या है ना गाइस, ज़्यादा स्पीड चलाने का आदत नहीं हो, बोलते रहता हर किसी को यार गाड़ी देख के चलाओ गाड़ी देख के चलाओ, कुछ समझते नहीं तो क्या लोगों को क्या है ना आगे निकलने का, सिर्फ आगे निकलने का, आगे भागते जाने का, आगे निकलते निकलते आप पहले निकल जाएंगे ऊपर। चल झूठा गाइस, क्या है ना तेज़ नहीं चला सकते गाड़ी तो आप लोगों को पता ही है, और एक स्पीड लिमिट भी होता है यार। ओ भाई समझ गए, ये गाय जैसे ना तीन तीन आदमी बैठ गए यार, बिना हेलमेट का बैठ लिया, आराम से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, अगर कुछ हो जाए तो भी टेंशन नहीं यार। खत्म, हेलमेट पहन लिया करो यार, लाइफ का कोई भरोसा है क्या? तो मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है गाइस, जितने भी लोग अगर वीडियो को इस वीडियो को देखते हो ना तो प्लीज़ 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 आप लोगों से हाथ जोड़ के गाइस विनती है कि आप लोग हेलमेट पहन लीजिए, हेलमेट शाबाश, सर बच जाएगा तो सर बच जाएगा, जैसे कुछ तो हम कर सकते फिर आते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक अंग निकल गया तो भगवान का ऊपर है, ऊपर वाले का दिन है जो भी होगा, बट यार अपना सर बच जाएगा ना तो कुछ तो एक रहेगा यार, कुछ तो एक सेफ्टी होगा इसके लिए। गाइस देख सकते हो यार ये गाय भैंस की वजह से स्पीड चला ही नहीं सकता, अचानक ब्रेक मार देते हैं, बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही। तो हम लोग चलते फिरते अपने मुकाम पे पहुँच गए, अपना मंजिल जहाँ से शुरू होना था वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी फाइनली और 2 किलोमीटर है। एंड गाइस चेकआउट गाइस, अपना पसंद ही जो है ना, ओहो गाइस 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 चेकआउट गाइस, इतना ऑफ रोड है ना ये, अभी टाउन के बीच, अभी टाउन फाइनली पहुंचने वाले हैं, टाउन की बाजू में इतना ऑफ रोड है ना क्या बताए। 7:30 बज रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, एफ ब्रेक है यार, ब्रेक पर इतना बड़ा बड़ा लगा के रखा है बिकॉज यहाँ पे गाड़ी का चेक आउट। हम लोग फाइनली हम लोग टाउन पहुंच गए, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का टाउन है ये आपका। चलते चलते हम लोग टाउन पहुँच गए, टाउन पहुँच के पार होने के बाद हमारी जो काम है ना वहाँ से शुरू होगा, तो हम लोग काम के लिए जा रहे हैं गाइस, तो सीधा जब ना बिकॉज गाइस हमने ना ग्लास वगैरह तो ले लिया, अभी जाके इसको फिटिंग करूंगा, फिर फिटिंग करने का आप लोगों को प्रोसेस और तरीका दिखाऊंगा। गए सब लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, एक्चुअली तेरा कुछ इस तरह का है, ग्लास वगैरह लगाना है अपने को, अरे यहाँ पे ग्लास वगैरह लगा रहे हैं अभी, और फाइनली हमारे काम तो आपको बता चुके हैं। मैं ये देख सकते कुछ इस तरह का, ये हैंडल वगैरह लगा लिया, अभी ग्लास वगैरह लगाना बाकी है, एंड ग्लास वगैरह लगा के अपना ढाड़ी लेके सीधा घर कोई पूरी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नहीं है तो। थैंक यू गाइस, फिर मिलती है अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।